पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार की शाम को अयोध्या में कहा कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। मंदिर तो कहीं भी बनाया जा सकता है, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे और बन गया मंदिर। इस बयान के आने के बाद अयोध्या के संत धर्माचार्य और विश्व हिंदू परिषद सब क्रोधित हैं। सबका कहना है कि अखिलेश यादव केवल एक धर्म को विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि वह नहीं जानते कि तुष्टिकरण की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब वे सत्ता का मोह छोड़ दे। आपको बता दें कि वहीं मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा है कि अखिलेश यादव भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब दोबारा राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद नहीं खड़ी होगी और ना काशी मथुरा को मुक्त होने से अखिलेश यादव रोक पाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता पाने के लिए इस प्रकार के बयान ना दिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि इनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोलियां चलवाई, राम भक्तों की हत्या भी करवाई। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण में आ रहे पत्थरों को भी रोका था, 84 कोसी परिक्रमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया, संतों को जेल भेजकर प्रताड़ित किया और अयोध्या में चल रही रामलीला को बंद कराकर सफाई में ठुमके लगवाने का काम भी इन्होंने ही किया। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी अखाड़े के मुख्य पुजारी रमेश दास ने कहा कि चुनाव के समय इन्हीं देवी देवताओं को वह मंदिर में जा जाकर पूजते थे और चंदन लगाकर घूमते थे। चुनाव खत्म होते ही मंदिर और देवी देवता उन्हें खराब लगने लगे। अगर वे भगवान पर भरोसा नहीं करते तो अयोध्या में क्यों आए दर्शन करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।